हे भगवान, हे भगवान, हे भगवान, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं, आ रहा हूँ मैं। माँ माँ माँ, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, मुझे माफ़ कर, अभी ये जीवन मेरे किसी काम का नहीं, अभी ये जीवन मेरे किसी काम का नहीं। रुक बे, क्या करने जा रहा है? दिख नहीं रहा तुझे, मरने जा रहा हूँ। अच्छा, मरने जा रहा है? तुम लोगों को मरने की जल्दी क्यों रहती है बे? टाइम लगता है अरेंजमेंट करने में, तैयार होने में। तुमको ले जाके नरक भी तो छोड़ना है बे। तुम कौन हो और यहाँ कैसे आए? मैं यमराज का दूत हूँ बे। पर वो तो ऐसे नहीं होते। अभी अपना वर्ड टाइम चल रहा है। तू मेरी छोड़, तू मरना क्यों चाहता है? अगर आप यमराज के दूत हैं, आपको तो सब पता होगा। फिर भी मैं आपको बताता हूँ, सुनिए। सुनिए महाराज, मैं एक लड़की से बेपनाह प्यार करता था। जब वो मेरी किस्मत में आई, मुझे ऐसा लगा कि मुझे सब कुछ मिल गया। 12 साल हो गए, उसकी एक झलक का दीदार नहीं कर पा रहा हूँ। हर वक्त उसके बारे में सोचता हूँ, कल मिलेगी, आज मिलेगी, परसों मिलेगी, पर अब तो लग रहा है कि ये जीवन उसके बिना ही काटना पड़ेगा। इससे अच्छा है कि मैं मृत्यु को प्राप्त कर लूँ, मैं उसके बिना नहीं रह सकता। ये जीवन नश्वर है मेरे लिए, मेरा प्यार अगर मेरे साथ नहीं है तो कोई मतलब नहीं है इस जीवन का मेरे लिए। यही कारण है मैं मरना चाहता हूँ, इस शरीर का त्याग करना चाहता हूँ। अरे मैं तो कुछ और ही समझा था। बाबा भाई, लड़की का चक्कर। महाराज, और मैं तो उस लड़की से बेपनाह प्यार करता हूँ। बालक, लोग तो अपने प्रेम का जन्मों जन्मांतर तक इंतजार करते हैं। तुम अभी से अपनी जीवन लीला समाप्त करने चले थे, हम तेरे मन से अति प्रसन्न हुए। हम तुम्हें आशीर्वाद देते हैं कि तुम्हें तुम्हारा प्रेम अवश्य मिलेगा, ये हमारा आशीर्वाद है। तथास्तु।